ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर बेसिकली आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स है, ये भी बेसिकली एंड्रॉइड कंपोनेंट्स है जो लिसन करते हैं आपके ब्रॉडकास्ट मैसेज या इवेंट्स को डिफरेंट आउटलेट से। अब वो आउटलेट कौन कौन से हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी अदर एप्लीकेशन से कोई रिसीवर ले रहे हैं, आप चाहे सिस्टम से खुद ले रहे हैं या आप अपनी एप्लीकेशन से ले रहे हैं, तो ये डिफरेंट आपके पास आउटलेट है जिनके थ्रू आपको ब्रॉडकास्ट रिसीवर में मैसेज आता है। तो बेसिकली एक सिंपल मैसेज होता है जो कि इंटेंट ऑब्जेक्ट में रैप करके दिया जाता है, उसका एक पैकेट बना के इंटेंट ऑब्जेक्ट का, उसमें इस मैसेज को रैप करके यूजर को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। सो ब्रॉडकास्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट इज वन जो आपकी एप्लीकेशन को टारगेट नहीं करता स्पेसिफिकली, सो इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू योर एप्लीकेशन। इसके लिए इस तरह के एक ब्रॉडकास्ट को रजिस्टर करवाने के लिए आपको एक इंटेंट फिल्टर चाहिए होता है जो कि आप मैनिफेस्ट फाइल में जाके डिक्लेयर करते हैं। सो यू नीड टू डू ऑल बिकॉज एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम गोज ओवर ऑल द डिक्लेयर्ड इंटेंट फिल्टर इन योर मैनिफेस्ट एंड सी इफ देयर आर मैच। जब भी आपकी ब्रॉडकास्ट रिसीवर वाली फंक्शनलिटी कॉल होगी, आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सबसे पहले मैनिफेस्ट फाइल में जाएगा और वहां देखेगा कि इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अगेंस्ट कोई इंटेंट फिल्टर अगर आपने डिक्लेयर किया हुआ है तो अगर उसको कोई मैच मिलेगा फिर ही वो इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को सेट करेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर हमारे पास इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट का कोई भी टारगेट एट्रीब्यूट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं SMS मैसेज की, तो अगर आपने इनकमिंग SMS मैसेज बनाया तो इनकमिंग SMS मैसेज किसी भी मल्टीपल एप्लीकेशन पे हो सकता है, चाहे वो मैसेजेस का है, फेसबुक का है या व्हाट्सएप का। तो ये बेसिकली किसी ब्रॉडकास्ट किसी एक एट्रीब्यूट को टारगेट नहीं करता। दूसरा है एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट जो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन को टारगेट करता है स्पेसिफिकली कि ऑन अ कंपोनेंट जो कि आपको पहले से पता होता है। फॉर एग्जांपल ये हमें कैसे पता चलता है, बेसिकली इस तरह पता चलता है कि वो टारगेट एट्रीब्यूट में आपकी एप्लीकेशन का पैकेज नेम होता है या आपके कंपोनेंट का क्लास नेम होता है, जिससे पहले आइडिया हो जाता है कि ये ब्रॉडकास्ट आपकी एप्लीकेशन को ही टारगेट कर रहा है। सो डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, जैसे हमने बात की कि हमारे पास यहाँ दो तरीके हैं। नंबर वन तो ये कि हम इसको एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में XML फाइल में जाके रिसीवर के टैग के साथ करते हैं, जिसे हम स्टैटिक मेथड भी कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैंने एक रिसीवर बनाया और उसमें एंड्रॉइड नेम सेट कर दिया योर ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास। लाइक आप जो भी क्लास का नाम रखेंगे, आपकी जो भी क्लास ब्रॉडकास्ट रिसीवर से एक्सटेंड होगी उसका नाम आप यहाँ पे एज अ रिसीवर पास कर देंगे। और सेकेंड है कि डायनामिकली आप उसको रजिस्टर करवाएं रजिस्टर सर्विस के साथ, जो कि कॉन्टेक्ट रजिस्टर भी जिसे कहते हैं, और उसके लिए आपको एक पब्लिक एक्स्ट्रा इंटेंट टाइप का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा रजिस्टर रिसीवर, जिसमें दो चीजें आप पास करेंगे, एक तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर का ऑब्जेक्ट और दूसरा इंटेंट फिल्टर का एक ऑब्जेक्ट पेश करेंगे। सो इसकी इंप्लीमेंट किस तरह होगी कि जब भी आपने अपना एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाना है, आपको पहले तो उस क्लास को ब्रॉडकास्ट रिसीवर से एक्सटेंड करवाना पड़ेगा और उसमें एक ओवरराइड मेथड बनाना पड़ेगा ऑन रिसीव के नाम से, जिसमें कॉन्टेक्स्ट टाइप का और इंटेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट पास होंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्लास बनाई जिसे मैंने एक्सटेंड कर दिया ब्रॉडकास्ट रिसीवर से, यहां मेरा एक ऑन रिसीव का फंक्शन है जिसमें मैंने कुछ अपने रिगार्डिंग लॉजिक है, मैं इसको ब्रॉडकास्ट रिसीवर में बेसिकली करना क्या चाह रहा हूं, तो वो लॉजिक मैंने यहां पे प्लेस कर दी। तो ये लॉजिक वेरी है यूजर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। सो हमारे पास तीन वेज है किसी भी ब्रॉडकास्ट को सेंड करने के लिए। नंबर वन है सेंड ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट, जो कि ये मेक श्योर करेगा कि एक वक्त में एक ही ब्रॉडकास्ट सेंड होगा रिसीवर को। फॉर एग्जांपल अगर एक ब्रॉडकास्ट सेंड हो रहा है रिसीवर को तो उतनी देर तक बाकी अपनी बारी का इंतजार करेंगे, वंस वो एक कंप्लीटली सेंड हो जाएगा उसकी आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही आपका दूसरा स्टार्ट होगा। सो नेक्स्ट आपके पास सेंड ब्रॉडकास्ट जो कि एसिंक्रोनसली काम करता है। बेसिकली इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है ऊपर वाले से कि इसको ब्रॉडकास्ट रिसीवर रिसीव द मैसेज एंड डू नॉट डिपेंड ऑन वन अनदर। ये एक ही वक्त में सारी ब्रॉडकास्ट रिसीवर सेंड कर देगा और एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर दूसरे की कंप्लीट मैसेज या जिसका कंप्लीट मैसेज है कि 100% वो सेंड हो चुका है उसके लिए दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता। तीसरा आपका लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट सेंड ब्रॉडकास्ट, ये मैसेज हम तब यूज करते हैं जब हमने रिसीवर जो डिफाइन किया होता है अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही होते हैं कि अब जो ब्रॉडकास्ट हम रिसीवर सेंड कर रहे हैं वो रिसीवर भी हमारी बेसिकली एप्लीकेशन के अंदर ही है और वो एप्लीकेशन की स्कोप से बाहर नहीं जाएगा। तो उस सीन में हम एक लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डॉट सेंड ब्रॉडकास्ट के नाम से। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्रॉडकास्ट जो रिसीव होती है हम रिसीवर से, दो टाइप की है। नंबर वन है नॉर्मल ब्रॉडकास्ट, बेसिकली ये एसिंक्रोनस है कि एक को दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, समटाइम्स ये ऑर्डर में चलती है, समटाइम्स एक ऑल टुगेदर चल पड़ती है। तो बेसिकली एक एफिशिएंट मेथड है क्योंकि आपकी एक ही वक्त में मेमोरी कंज्यूम करता है, आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसे रिड्यूस करता है। तो इस सिनेरियो में यूजर को या रिसीवर को रिजल्ट यूज नहीं बेसिकली वो करता, क्योंकि जब डिपेंडेंट नहीं है तो एक ही वक्त में सारी सेंड हो जाती है तो उसको दूसरे के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। इसी तरह ये अबॉर्ट नहीं करते, कोई भी API को अबॉर्ट नहीं कर सकते। और इन ब्रॉडकास्ट को हम कॉन्टेक्स्ट डॉट सेंड ब्रॉडकास्ट के आर्गुमेंट के साथ
सेंड करते हैं। दूसरा है ऑर्डर्ड ब्रॉड्स का, बेसिकली ये सिंक्रोनस है कि लाइक एक ब्रॉडकास्ट डिलीवर होगा टू एक रिसीवर एट अ सिंगल टाइम, सो रिसीवर को उसका रिजल्ट आएगा एंड व्हेन रिजल्ट उसका सक्सेसफुल रिजल्ट आ जाएगा कि आपकी रिसीवर कंप्लीटली रिसीव हो चुका है, उस वक्त ये पास करेगा टू नेक्स्ट रिसीवर टू सेंड देयर ब्रॉडकास्ट। सो बेसिकली इसको हम रिसीवर स्टेज पे इस ब्रॉडकास्ट को अबॉर्ट भी कर सकता है, और फॉर हेंस नो ब्रॉडकास्ट रिसीव बाय अदर रिसीवर। तो फिर अगर वंस कोई रिसीवर इसे अबॉर्ट कर देगा तो बाकी रिसीवर्स को ब्रॉडकास्ट रिसीव नहीं होगी। सो फिर है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ ब्रॉडकास्ट रिसीवर। सो बेसिकली ब्रॉडकास्ट रिसीवर वेकअप करता है हमारी एप्लीकेशन को, द इनलाइन कोड वर्क्स ओनली व्हेन योर एप्लीकेशन इज रनिंग, ये तभी चलेगा जब हमारी एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में है। वंस एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी सेंड या रिसीव करना अपना डेटा छोड़ देगा। इसके लिए भी आपको कोई यूआई नहीं बल्कि बट कैन स्टार्ट एन एक्टिविटी, आपके लिए यूआई नहीं चाहिए लेकिन आप एक सिंगल एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसकी मैक्सिमम लिमिट है किसी भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर की सेंड या रिसीव होने की 10 सेकेंड। सो डू नॉट डू एनी एसिंक्रोनस ऑपरेशन विच मे टेक मोर टाइम, कोई भी हम ऐसी एसिंक्रोनस कॉल लाइक बैकग्राउंड कोई भी ऐसी कॉल नहीं लगाएंगे, या कोई ऐसी हैवी डेटाबेस ऑपरेशन या नेटवर्किंग ऑपरेशन नहीं लगाएंगे अपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर में कि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10 सेकंड से एक्सीड कर दे, उस स्टेट में आपकी एप्लीकेशन एएनआर या एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग वाली स्टेट में चली जाती है।